think in any aspect of life, you need to train correctly, get the right technology, which means get the right institute to learn something. Don't go to anybody and everybody. Go to the institute that has taught for many years, has experience, and knows how to teach. That's one. Second aspect of it is to train. You must not think that, okay, am I class ke liye ja raha hu, ab main class to class jaunga, aur main khud ka khud dancer ban jaunga. When you go for a class, you get the information. Technology milti hai, then the application of that technology is your job. So aapko bahut sari kadi mehnat karni padegi taki wo jo aapne samjha hai class mein, जो राइट टेक्निक जो आपने समझा है अपने दिमाग में, वो आपके जहन, आपके मसल, आपके बॉडी में उतरना चाहिए, ताकि जब आप डांस करते हो आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, आपकी बॉडी उनको खुद उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको पता है क्या करना है. इट्स द सेम थिंग लाइक लर्निंग अ बाइसिकल. व्हेन यू आर लर्निंग टू राइड अ बाइक, जब आप गाड़ी चलाते हो, कोई नई चीज सीखो तो आपको पूरा ध्यान होता है, बट वो प्रैक्टिस के जरिए आपके बदन में, आपके शरीर में उतर जाता है. इतना ही नहीं कि उसके बाद तो आप कुछ भी सोच सकते हैं दिमाग में, और आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे बैलेंसिंग पर, या कहीं कुछ हो जाए या गिर जाओगे, बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस. योर बॉडी, आपकी बॉडी में वो मेमोरी आ जाती है कि कैसे करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच व्हाट वी कॉल इन डांस लैंग्वेज मसल मेमोरी. तो आपको इतनी कड़ी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करें. और सही चीज, अगर आप गलत ट्रेनिंग लेते हो और गलत चीजें पकड़ते हो, तो यू विल बी प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग थिंग एंड दैट इज वर्स, और आपके इंजरी भी हो सकती है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू डांस स्पेशली, क्योंकि ये बॉडी के साथ रिस्क है. दैट इज व्हाई यू हैव टू लर्न इट करेक्टली, सेफली, मोस्ट एफिशिएंटली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू गॉट टू प्रैक्टिस, ताकि वो आपके दिमाग में नहीं, आपके जहन में उतर जाए. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन सर इज, दिस इज सीजन 2 ऑफ हीरोज बिहाइंड द हीरोज, एंड What we want to do is, what we want to keep on doing is felicitate the teachers who've given us the best heroes in the industry. Yeah. And we just want to say, what do you think about this initiative by Sony A? I think, kai baar hum jo saamne rehte hain, unko hi pehchante hain, lekin unke peeche jo mehnat lagi hai, chahe wo teacher ho ya mentor ho ya parent ho sakte hain, वो इंसान कभी सामने दिखता नहीं है. आई थिंक इट्स नाइस टू कंडक्ट समटाइम्स ऑल्सो फेलिसिटेट, और उनका भी उनको भी एक कहीं ना कहीं एक पुरस्कार, या कोई ना कहीं अगर एक ट्रॉफी या अवार्ड उसके साथ उनको सम्मानित किया जाता है. सो इट्स अ नाइस आइडिया, सिंपली बिकॉज लोग समझते हैं कि इवन बिहाइंड मी, इवन मी एज अ टीचर टुडे, दे हैव बीन माय टीचर्स, आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम. सो हम ऐसे ही बड़े या उस मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, कई लोगों का हाथ होता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट एंड अंडरस्टैंड दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सोनी टीवी एंड आल्सो गो हैज डन दिस सुपर. इट्स रियली क्यूट, इट्स अ वेरी क्यूट अवार्ड जस्ट लाइक हिम, एंड आई थिंक इट्स वेरी स्वीट इनिशिएटिव. कोई सोचता नहीं इसके बारे में, और जो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनको पता नहीं वो कितनी मेहनत करते हैं पर्दे के सामने वाले लोगों को निखर कर आने के लिए, और जो जिनके आप बड़े फैन होते हैं, और जिनको लगता है कि ओ ऐसे ही उनके टॉक अबाउट इवन लाइक स्टार्स एक्टर्स उनके पीछे देयर इज एन आर्मी ऑफ पीपल हु मेक देम लुक द वे दे आर, द स्क्रिप्ट राइटर, द डायरेक्टर, द म्यूजिक, द कॉस्ट्यूम्स, द मेकअप, द लाइटिंग, ऑल ऑफ इट, एडिटिंग, गुड एडिटिंग कैन सेव एन एक्टर. सो इन सो मेनी वेज, what comes out to you, the finished product, uske peeche bahut log ka hath hai. So I think it's very important to appreciate and respect that. अंग्रेजी में या हिंदी में? तो पहली बात तो ये कहूंगा कि ये जो अवार्ड, साइलेंस प्लीज, ये जो पुरस्कार जो मिला है, ये जो अवार्ड मिला है मुझे, हीरोज बिहाइंड हीरोज, आई थिंक कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्दे के सामने और कौन हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके पीछे जो हाथ है,
और जो उनको हीरो बनाते हैं या हीरोइन बनाते हैं, जो स्टार्स बनते हैं, आई थिंक उनको सम्मानित करना, उनको रिकग्नाइज करना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है. आई थिंक बिहाइंड मी ऑल्सो देर आर बिन हीरोज, तो हीरोज़ के पीछे हीरोज, हीरोज़ के पीछे हीरोज. आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हम जहाँ पर पहुँचते हैं कई लोगों का हाथ होता है. सो आई रियली थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो हमारे खुद के मन में बहुत सारे यू नो विचार चलते हैं जो नेगेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं हमें कोई होप नहीं दिखता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंस्पायर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो अ टीचर और समबडी हु इज एन अडल्ट, एंड इट डजंट नीड टू बी द टीचर इन द सेम प्रोफेशन. जो आपका करियर है वही यू नो मे बी दैट टीचर कैन ओनली टीच यू अबाउट द क्राफ्ट. But you need a mentor who will work on your brains, who will work on your psychology, who will make you always positive, who will tell you to fight against many things. Because there's so much of confusion, there are so many questions. कितने सारे विचार होते हैं कि ये करूँगा नहीं करूँगा. Not only about the work, but also about life. क्योंकि आप इंसान एक you know आप one unidimensional नहीं होते हो. There are many things you know working on you. So to reach that. Sometimes the you know our own limitations, आपके अंदर जो चल रहा है, you know all of that also comes in the way. So a good mentor will clear things for you, will tell you to stay focused, will keep you motivated, will hold your spirit up. Whenever you're feeling down, he will know कि तुम you know तुम्हारी energy नीचे गई. And that is what I feel teachers are. That is what a good guru is. Somebody who not only teaches you the craft, जो आपको सिर्फ you know वो वही सिखाता नहीं है जो यू नो वो क्राफ्ट के बारे में हो, वो आर्ट के बारे में हो, लेकिन जिंदगी के साथ साथ कैसे उसको यू नो अपने मेंटल सिचुएशन को कैसे संभालना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को उस यू नो मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी यू नो चीज़ें होती हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मैंने कोरियोग्राफी भी छोड़ दी है. आई एम एक्चुअली लेफ्ट फिल्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टीचिंग. और मुझे लगा है कि इंडिया को अब बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वो लेवल आ गया है कि वे इंडियन डांसर्स नीड टू गो इंटरनेशनली ऑल्सो. एंड आई फील वी हैव द पोटेंशियल एंड टैलेंट, लेकिन ट्रेनिंग की बहुत सख्त कमी है. हम यू नो नेचुरल डांसर्स हैं, लेकिन नेचुरल डांसर्स सिर्फ वहीं तक पहुंच सकते हैं. अगर इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचना है यू नीड सुपर ट्रेनिंग, एंड फॉर दैट इज़ द रीज़न मैंने अपना पूरा एनर्जी जो है मेरे प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया है. वेयर आई हैव गॉटन द बेस्ट टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई टीम टू वर्क ऑन डांसर्स टू रीच दर इंटरनेशनल लेवल. तो उसके लिए मेरा लगाव हैज़ ऑलवेज बीन टूवर्ड्स ट्रेनिंग, टूवर्ड्स क्वालिटी एंड नॉट ऑलवेज टूवर्ड्स बिजनेस. फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द पैशन. मेरा पैशन है टू टीच, दैट इज़ वन. Two is, I do want to be a part of films as an actor. As a director, I do not want to start now. Maybe I'll do that 10 years later. I still feel that mere dil mein bahut sare armaan hai ki I would like to be the actor himself, because before being a dancer, I always was working in theater. Maine theater ke sath bada bahut sare kaam kiya hai, school, college mein bhi. And I always was working towards it. Toh maine ek kahani likhi hai. जो मेरे यू नो नॉट ऑन माय लाइफ बट आई रिटन अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बनेगी. और मेरा ध्यान उस पर रहेगा बिकॉज उस कहानी के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों को यू नो अपने आप से परिचित कराना चाहता हूँ. क्योंकि वो पिक्चर ऐसी होगी जहाँ पर आप देखकर अपने आप से सवाल पूछने लगे कि ये अगर मैं इस स्थिति में होता तो मैं कैसे इसे यू नो हैंडल करता. And it leaves you thinking. So that thinking kind of a film which emotionally touches you. And in the same way, you understand life. You know, life ki jo cheeze hai, wo itni aasan nahi hai black and white. Ki ye villain hai aur ye, you know, hero. Aisa wala film nahi likh raha hu main. Life, jo hamari actually zindagi ke saath juda hua hai. Aur dance uske andar, you know, very, very, you know, मैं उसको अच्छी तरह से लपेट चुका हूँ. इन द सेंस द डांस हैज बीन वोवन इनटू द स्टोरी, बट इट इज़ नॉट अ डांस फिल्म विच इज़ ऑलवेज सीन इन लाइक कॉम्पिटिशन वाला फिल्म नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट द इनर माइंड कि अंदर क्या चल रहा है एक इंसान के अंदर, तो वो वाला डांस क्या होता है. सो इट्स अ लॉट वॉट हैपन्स इन रियल लाइफ ऑल्सो. तो ऐसी एक कहानी लिखी है और आई एम वेटिंग फॉर इट टू काइंड ऑफ स्टार्ट एंड होपफुली बाई नेक्स्ट ईयर इट विल बी देयर. Is it a secure as a corporate job?
Not at all. It's a very, see, koi bhi, especially as an artist, whether as an actor, singer, dancer, any of these fields, na, it's a very dicey situation. You know, because the opportunities are very, very less. In fact, I would say from all the fields, dancing is still a bit, little better because agar aap dancer nahi bante, you can still become a teacher, you can assist, you can, you know, work in various other stuff. So in a way, you aapki aamdani kahi na kahi mil jati hai. कहीं ना कहीं वो रोजी रोटी कपड़ा मकान वो हो जाता है सो इट्स इजी टू सर्वाइव थ्रू डांसिंग बट नॉट एवरीबडी कैन बिकम फेमस नॉट एवरीबडी विल अर्न लॉट ऑफ मनी डिपेंडिंग यू नो ऑन व्हाट फील्ड ही कम्स इनटू और व्हिच लाइन व्हिच एरिया ऑफ डांस ही वांट्स टू गेट इनटू सो आई वुड से कि अगर आपको डांसिंग करना है अगर आपको डांसर बनना है इट कैन नॉट बी बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न मनी और वॉन्ट बिकम फेमस यू हैव टू वॉन्ट टू बी अ डांसर बिकॉज अगर आप नहीं नाचते तो कहीं ना कहीं हम अधूरे महसूस करते हैं बिकॉज यहाँ पर हाइज एंड लोज बहुत है और अगर आपको निराशा ज़्यादा मिलेगी सो इफ़ यू आर नॉट अगर आप सच्ची में अंदर से आपको वो डांसिंग की भावना नहीं जाग रही और आप सिर्फ पैसे और यू नो फेम के पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इतनी निराशा आपको मिलेगी कि आप वहाँ पर छोड़ के चले जाओगे आप मेहनत भी नहीं करोगे सो इट इज़ नॉट मेंट फॉर पीपल हु थिंक कि हाँ मैं डांसिंग कर लेता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ना फेमस बन जाऊँगा या मुझे पैसे मिल जाएंगे those kind of people they will realize the reality will hit them very hard so you have to be somebody who says ki main successful hu ya na hu paise mile ya na mile main to dancing ke bina nahi reh sakta and I want to dance well and I want to train only those people can become their dancers ek kahawat hai angrezi mein you cannot choose dance dance chooses you hi everyone kya aapne yoyo tv app download kiya nahi तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप जी हाँ जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला जी हाँ तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप